बीएसएनएल का केबल तार काटने वाले 10 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले दिनों सिटी थाना क्षेत्र के टूटेन गार्डन के पास चोरों ने बीएसएनएल का केबल चोरी की घटना अंजाम दिया। बताते चले कि अज्ञात चोरों द्वारा पिछले दिनों सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत टूटेन गार्डन सेक्टर 3 में बीएसएनएल का भूमिगत केबल तार काट कर भारी मात्रा में कॉपर वायर की चोरी कर ली गयी थी, जिससे बीएसएनएल के कई क्षेत्रों में सेवा भी बाधित हो गयी। सेवा बाधित होने के बाद जब उपभोक्ताओं द्वारा इसकी सूचना बीएसएनएल ऑफिस के पास दी गई, तब जाकर बीएसएनएल की ऑफिस के द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पाया कि बीएसएनएल का भूमिगत तार को अज्ञात चोरों द्वारा काट दिया गया है, जिसकी सूचना बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा बोकारो के सिटी थाना को दी गई। मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की, जिसके बाद एक छापेमारी दल बनाया गया। छापेमारी दल में 7 पुलिसकर्मी को शामिल किया गया। इस छापेमारी दल के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दूधी बाग स्थित कमल यादव की कबाड़ी गोदाम में छापेमारी की, जहां पता चला कि केवल तार को आरोपी द्वारा 4 से 30 व्यक्ति को बेचा गया है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करके मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ मौके से भारी मात्रा में चोरी किए गए बीएसएनएल के केबल तार और चोरी में उपयुक्त औजारों को बरामद किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि मामले में 10 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसकी तलाश है। पुलिस के लिए राहत की बात है कि इस तरह से घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर पकड़े गए हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है, बहुत जल्द बाकी आरोपियों को पूरी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। द्वारा बीएसएनएल के भूमिगत केबल को खोद कर चोरी की गई थी। 24 तारीख को इसका कांड दर्ज किया गया। इसके उपरांत हम लोगों ने लगातार इस पर अनुसंधान करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के दौरान रिसीवर और कुल चोर मिलाकर कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से कई चोर ऐसे हैं जो लगातार बीएसएनएल को टारगेट करते हुए उनकी संपत्ति को चोरी किया है और कुछ लोगों को बेचने का काम किया है। क्या लग रहा है, जिस तरह से चोरी लगातार हो रही थी केबल की, उस पर रोक लग पाएगा? अभी जिस प्रकार से इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और उसको गिरफ्तारी हुई है, तो हम लोग को उम्मीद है कि अब चोरी में थोड़ी लगाम लगेगी और बीएसएनएल को भी थोड़ी राहत मिलेगी। चोर शहरी क्षेत्र के ही हैं और सिटी धुंधीबाग में लोगों का लेन देन का मामला चलता था और कोई रिसीवर चास के भी हैं, तो इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ सामान भी रिकवर किया। एक कैंप 2 में भी एक बीएसएनएल टावर से बैटरी चोरी, इसका भी लोग, हाँ उसका भी हम लोगों ने लगभग उद्भेदन कर लिया है और इन्हीं चोरों के द्वारा उसका भी उस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन बैटरी बरामद नहीं किया गया है। उसमें कुछ चोर अभी और बचे हुए हैं जो कि बैटरी को चुरा कर कहीं और खपाने का काम किया है। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। क्या क्या बरामद हुए हैं लोगों के पास से? इन लोगों के पास से केबल जो चोरी किए गए थे, उसकी जहाँ पे इन लोग उसको काट कर उसका कॉपर निकाला है, उसका खोल और जो चोरी किए गए केबल है उसके कटिंग बरामद किए गए हैं, और उसके साथ में प्लास है, ग्लव्स है, इनके निशानदेही पे उसको हम लोगों ने बरामद किया है। पूर्व में इसमें कई लोग हैं जिसके आपराधिक इतिहास है, जो खरीद बिक्री में भी संलिप्त रहे हैं, और कुछ चोर हैं जिनका चोरी में भी इन लोगों का नाम था। HEEP Haridwar unit is equipped with advanced production and testing facilities for production of supercritical turbines, electrical machines like turbo generator, exciters, permanent magnet generators, AC motors, etc. The unit also takes up constant endeavors to upgrade its manufacturing setup to match the best in class in the world, to keep it abreast with ever-challenging technology advancements and product portfolio diversification. ये देख, सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस। वाह भाई, काश म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा होता, सारे फंड्स और उनके परफॉर्मेंस देखने मिल जाते। तो है ना, म्यूचुअल फंड सही है .com पर जा, वहाँ पे हर फंड का परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। नाइस। लेकिन सिर्फ 5 परफॉर्मेंस पे मत जाना, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। बात तो सही है। तेरे को दिखा दूँ रुपया। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
जिंदा है पर एक और भूख भी जिंदा है, ये है रॉबिनहुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिनहुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम। कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें, जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। कास्ट 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। कास्ट 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.